गाइस लेट्स सी वन गुड थ्योरी, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। अप टू दिस वी आर नॉट डिस्कस दिस टाइप ऑफ केस। अगर इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल फाइंड करना है इन अ कंडक्टिंग स्फीयर, देन हाउ व्हाट इज द मेथड? दैट इज द वन स्पेशल मेथड टू गेट दिस आंसर। ओके, लेट्स वी डिस्कस फर्स्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो केस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कंसीडर द एनी कंडक्टिंग स्फीयर, सपोज इट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है? इसको आप मान लो कि कंडक्टिंग स्फीयर है ऐसे, सेंटर सी, यहां पे कहीं पे पॉइंट पी है इन साइड। वी हैव टू फाइंडिंग आउट दिस समवेयर द इन साइड। सो हाउ यू जस्ट कंसीडर दिस चार्ज इज इंड्यूस इन साइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर। सो यू पुट सम चार्ज, you put some additional charge q somewhere here, so due to this q some charge is induced on the sphere, and some charge is induced on the sphere when we find the electric field due to induced charge at point p only, electric field। okay, humko find kya karna hai, electric field at point p due to induced चार्ज। ओके, ये अपना क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो सिंपल मेथड है। सो हियर दिस सपोज कंसीडर दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज, दैट इज व्हाट, प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों इंड्यूस होगा, ऐसे कौन को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों इंड्यूस होगा, ऐसे पता नहीं है, कोई भी लिख दो आप, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा नेगेटिव चार्ज ऐसे। तो दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर, सो एज वी नो इन साइड द कंडक्टिंग स्फीयर एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एज वी नो। ओके, सो हियर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, हमको कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट पी पे। सो एज वी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज वॉट, जीरो। वाई? बिकॉज कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो पी पॉइंट के पास दो फील्ड यहाँ पे पॉसिबल है, एक तो इस क्यू का फील्ड, एक और है इंड्यूस का फील्ड। सो क्यू का फील्ड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्यू का फील्ड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे ई ड्यू टू क्यू, ठीक है? और तो फिर इंड्यूस चार्ज का फील्ड कहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए, ई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो P पॉइंट के पास टोटल कितने फील्ड है, दो। तो आंसर कैसे लिख सकते हो कि E एट P ड्यू टू Q प्लस E एट पॉइंट पे ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, Q का या फिर इंड्यूस चार्ज का? तो आंसर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। सो इसमें इंड्यूस चार्ज को फाइंड करो, तो E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ई ड्यू टू क्यू, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है? तो फिर मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं, चलो। सो हाउ वी गेट दिस मैग्नीट्यूड, सो इन मैग्नीट्यूड ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई क्यू, मतलब ई एट पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज क्यू। तो ये डिस्टेंस पता नहीं है, कोई भी डिस्टेंस आप ले लो, सपोज ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल आर, कोई भी डिस्टेंस ले लो, कितना डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो फिर पॉइंट चार्ज का तो इक्वेशन आपको पता ही, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर, सो के क्यू एंड डिस्टेंस इज आर, सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डू यू अंडरस्टैंड? सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड केस, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ सेकेंड वन इज अ पोटेंशियल। नाउ यू वॉन्ट अ पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इंड्यूस चार्ज ओनली, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज ओनली। सो केस टू पोटेंशियल, मतलब सेम इक्वेशन लिखो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ये फाइंड करें। तो इसमें भी एक स्पेशल मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस मेथड, सी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर एवरीवेयर पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट,
Inside the conducting sphere, everywhere potential is constant. So use this concept. So inside the conducting sphere, potential is constant. तो आप ऐसा लिख सकते हो, चलो constant है, अगर एक कांस्टेंट है तो फिर ऐसा लिख सकते हैं कि सेंटर का पोटेंशियल जितना है उतना ही पोटेंशियल कहाँ का रहेगा, पी पॉइंट का, क्योंकि सेंटर भी इनसाइड होता है और पी पॉइंट भी इनसाइड है, तो दोनों का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम. सो पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू दिस ऑल चार्जेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस ऑल चार्जेस. ओके, तो फिर आप मान लो कि क्यू और सेंटर का डिस्टेंस कुछ अलग है, आर डैश, मतलब क्यू और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर डैश. नाउ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, हाँ, यहाँ पे कितना भी नेगेटिव चार्ज है कितना भी पॉजिटिव है लेकिन दोनों सेम ही रहेगा. जितना नेगेटिव ओपन हो, जितना नेगेटिव मूव होगा क्यू की वजह से उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे ओपन होगा. सो दिस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज एंड पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज बोथ आर इक्वल. दिस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज एंड पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज बोथ आर इक्वल. तो इसका टोटल मतलब सी पॉइंट सी आप काउंट करते हो सेंटर, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज का जितना पोटेंशियल रहेगा इतना ही पॉजिटिव चार्ज का रहेगा, तो फिर नेट कितना हो जाएगा, जीरो. तो सी के पास कौन सा पोटेंशियल रहेगा, ओनली दिस ड्यू टू क्यू. इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल सेंटर के पास नहीं रहेगा इन द केस ऑफ स्फीयर. क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल इक्वल होगा और दोनों अपोजिट होगा, तो नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज जीरो. नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज जीरो. बट अब हमें तो कहाँ फाइंड करना है, पॉइंट पी पे, ठीक है. तो एडिशनल नोट भी लिख देते हैं, एट द सेंटर नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज जीरो. तो फिर सेंटर के पास एक ही पोटेंशियल कौन सा, क्यू का, वो कितना होता है, उसका डिस्टेंस कितना है, आर डैश है. तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आर डैश डिस्टेंस पे लिखो आप यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो इट्स इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर डैश, यही है ना इक्वेशन, इज इक्वल टू वी पॉइंट पी पॉइंट के पास दो पोटेंशियल है, एक है क्यू का भी पोटेंशियल है और इंड्यूस चार्ज का भी कुछ पोटेंशियल होगा. तो फिर यहाँ पे दो लिख सकते हैं, क्यू का पोटेंशियल, तो क्यू का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, तो ये डिस्टेंस कितना है, आर ही है, तो अपॉन आर प्लस वी ड्यू टू इंड्यूस्ड. हमें पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तो जो भी इसका आंसर आता है वो लिख देना, ठीक है. तो फिर आंसर हो गया वी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, सो इट्स लेफ्ट हैंड साइड, सो के क्यू अपॉन आर डैश माइनस के क्यू अपॉन आर, दिस इज अवर आंसर. सो बाय दिस वे यू गेट द आंसर ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज. तो इंड्यूस्ड चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन करना है तो फिर आउटसाइड जो भी चार्ज है उतना ही होगा, आउटसाइड जो भी चार्ज है उतना ही होगा. और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो सेंटर का पोटेंशियल और पॉइंट पी का पोटेंशियल आप इक्वल कर दो, सेंटर का पोटेंशियल और पी का पोटेंशियल इक्वल कर दो, और इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल सेंटर पे कितना होता है, जीरो. तो आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है. इवन तो सपोज आपको जो स्फीयर है एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो और कोई पॉइंट्स के बाद फील्ड फाइंड करना है तो एक सिंपल ए ही थियरी यूज करनी है, एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू वॉट इंड्यूस्ड फील्ड, ठीक है. तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ऑल ऑफ यू गाइस नॉट दिस थियोरी इन योर बुक्स प्रॉपरली, देन आफ्टर वी जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थियोरी इन डिटेल एंड वी सॉल्व सम एग्जाम्पल, ओके. गाइस लेट्स सी वी सॉल्व एन एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन अ पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस. And the problem statement is what? If the charge Q is placed at a distance r by 2 from the center of a concentric shell as shown in figure, then find the potential at center. मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे दो शेल है r और 2r रेडियस की और r by 2 रेडियस पे कितना चार्ज प्लेस किया है Q, तो पोटेंशियल फाइंड करना है कहाँ पे, सेंटर पे. तो सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे Q प्लेस किया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज कितना इंड्यूस होगा इस शेल पे, माइनस क्यू. सो ड्यू टू दिस वन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा,
पॉजिटिव, सो लेट्स राइट। एंड कितना इंड्यूस होगा ये चार्ज? प्लस क्यू, क्योंकि इक्वल मेटल है तो इक्वल चार्ज इंड्यूस होने वाला है। एज वी डिस्कस इन अ प्रीवियस सेशन, दस क्यू इंड्यूस इन अ मेटल, क्यू इंड्यूस इन अ मेटल एज पर दिस इक्वेशन। ओके, क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन के। इस इक्वेशन से अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है माइनस साइन, और मेटल का के इनफाइनाइट है तो इसको निकाल दो, जीरो हो गया। तो फिर आंसर क्या होगा? क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है मेटल की सरफेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्वल चार्ज इंड्यूस होगा, अगर यहाँ पे क्यू है तो इस सरफेस पे माइनस क्यू होगा, इस सरफेस पे प्लस क्यू होगा। कहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है? फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर। सो हाउ वी राइट दिस आंसर? सी सॉल्यूशन वेरी सिंपल, पोटेंशियल एट सेंटर, सो वी सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, दिस क्यू। ओके, सो पोटेंशियल वी ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू इंड्यूस्ड चार्ज, सो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, बट विच माइनस क्यू इंड्यूस्ड, सो दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, सो वी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बट विच प्लस क्यू इंड्यूस। सो यहाँ पे तीन चार्ज है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटर है और शेल के इनसाइड है, देखो सभी जगह पे। तो शेल के इनसाइड का पोटेंशियल कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट। इनसाइड द शेल पोटेंशियल इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। देन हाउ वी राइट दिस आंसर? सी वी एट सेंटर, क्यू से उसका डिस्टेंस कितना है? आर बाय टू, तो फिर के क्यू अपॉन आर बाय टू प्लस माइनस क्यू का सरफेस के इनसाइड है तो उसकी रेडियस कितनी है? आर। उसका आंसर कैसे होगा? के इंटू, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, सो के इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है? आर, तो फिर आर प्लस थर्ड चार्ज के इनसाइड भी पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा, कितना रहेगा सरफेस के जितना, सरफेस पर कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, बट उसकी रेडियस ही टू आर है। देखो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड शेल? दैट इज अ टू आर, सो के एंड द चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज व्हाट? पॉजिटिव, सो के इंटू क्यू अपॉन 2R. So you just simplify this relation by yourself, okay, and you get the answer. So you simplify the relation and find the answer. This remaining calculation is in homework, but you must be understand how to solve this problem. So you solve this problem by this way, okay. All of you guys note this example in your books properly. Okay guys, let me solve one another example which is potential due to induced charges and all those things, okay. So example 2, find the potential at the point P. मतलब कि point P के पास potential find करना है, यहाँ पे figure में दिया है, shown in figure. Okay, due to the total charge on the shell, मतलब यहाँ पे ऐसे concentric shell है, एक की radius r है, दूसरे की radius 2r है. इस तरह से दो shell है and this shown in the figure, okay. Here the charge 2q is given to the shell and point charge q is placed at a distance 3r as shown in figure. मतलब यहाँ पे कोई चार्ज q है वो 3r distance पे है, ठीक है, और 2q चार्ज है वो शेल को ऐसे इनिशियली दिया हुआ है टोटल. सो नाउ सम ड्यू टू दिस चार्ज सम q इज इंड्यूस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ शेल. ओके, वी डोंट नो हाउ मच इज इंड्यूस, लेट्स कंसिडर सम q इज इंड्यूस ऑन. नाउ वॉट इज द टोटल चार्ज ऑन द शेल? What is total charge? This 2q and q induced, here also q induced. Okay, so we find the potential at this point P. वो क्या find करना है? Potential at the point P. So we use the previous theory as we discussed solution. If you consider this potential at this point P and this center is considered as a C, then this both this point inside this one. So potential inside the shell is constant. As we know, potential inside the shell is constant. So let's write potential inside the shell is constant. Why? Because E inside is equal to what? Zero. अगर E inside है तो zero. तो दोनों का potential same ही रहेगा. मतलब कि potential at P is equal to potential at
सी, तो हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू टोटल चार्ज ऑन द शेल। टोटल में टू क्यू भी आ गया और इंड्यूस भी आ गया, टोटल में टू क्यू भी आ गया और इंड्यूस भी आ गया। तो लेट्स वी काउंट दिस, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज ऑन शेल एट पॉइंट पी इज सपोज टू बी वी, इसको हम क्या ले लेते हैं वी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस क्यू चार्ज। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज, ठीक है, और टोटल पोटेंशियल पी हो गया इज इक्वल टू सेंटर पे पोटेंशियल लेते हैं। सो पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू टू क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू क्यू चार्ज, मतलब थ्री होगा। लेकिन हमने नोट्स तो लिखी है प्रीवियस सेशन में कि पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज जीरो, क्योंकि कहीं पे प्लस चार्ज होगा कहीं पे माइनस चार्ज होगा, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा जीरो। तो सेंटर पे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल लेना ही नहीं है, ठीक है, लेते हैं बाद में जीरो कर दे। पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू क्यू इंड्यूस्ड प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू टू क्यू, बट दिस मच जीरो, ये कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ पे V क्या है, फिर से समझा दो, V क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू द टोटल चार्ज ऑन द शेल, वही फाइंड करना है। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज शोन इन फिगर ड्यू टू टोटल चार्ज ऑन द शेल, इसको हमने V काउंट किया, ठीक है, तो इसको आप V मान लो। ओके, व्हाट वी हैव टू कंसिडर इट V एंड V इज इक्वल टू फाइन, तो यहाँ पे दोनों ही आ गए सब कुछ, तो इसमें से सबकी वैल्यू रख के V फाइन कर लो। तो सबकी वैल्यू रख देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन होमवर्क में करना है, ठीक है। सो V फाइन करना है, सो V प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q, आप इसको ऐसे लिख लो सिमिलर मेथड में, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q, तो Q और P का डिस्टेंस कितना है, 4R है, तो आप इसका लिख दो के क्यू अपॉन 4R, जो डिस्टेंस है वही लिख देना है, ठीक है। तो के क्यू अपॉन 4R इज इक्वल टू दिस वन जीरो, पोटेंशियल ड्यू एट सी ड्यू टू क्यू, क्यू को क्यू और सेंटर का डिस्टेंस कितना है 3R, तो इसका लिख दो आप के क्यू अपॉन 3R प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू टू क्यू। ओके, टू क्यू और सेंटर, तो फिर दिस सेंटर इज इनसाइड द शेल और इनसाइड द शेल पोटेंशियल इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सो इनसाइड द शेल पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट। व्हाट इज आंसर, के व्हाट इज द चार्ज 2q, सो 2q अपॉन व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ शेल 2r, सो अपॉन 2r, सो सिंप्लीफाई दिस रिलेशन एंड फाइंड द v, फाइंड v, ओके, इट इज इन होमवर्क, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, ओके। ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस एग्जांपल प्रॉपरली इन योर बुक्स एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर एक्चुअली, ओके, वी जस्ट अप्लाइड द कांसेप्ट व्हाट एवर वी आर स्टडीड, okay, all of you write this full example in your books and also find this answer, okay, by yourself, not it. Okay, guys, let me discuss one important topic, earthing of a conducting body. What is the meaning of earthing? You just join the any conducting body with the earth. If you consider the earth, okay, if you consider the earth, then earth is actually a large conducting body, okay, means earth is a large sphere having some charge, okay, so this is the very large conducting body. If you consider its radius, then radius of earth is equal to 6400 kilometers, means its radius is also very large, it is a large conducting body. So if you join the any body with this earth, then we call it is earthing. If you join any body with the earth, we call it is earthing, okay. First we draw the any conducting body as it is, so let's consider this is one conducting body, okay, conducting body, this body having some charge q, so there is a condition before earthing. If you consider the potential of body, then V surface is equal to V inside is equal to constant. ऐसा हमें पता ही, as we discuss in a last previous sessions. Okay. Now you just join this body with the earth. Means you just this is a symbol of earthing. This is the symbol of earthing. So you just consider here you
place of one switch. So if you close this switch, if you close the switch, means after earthing, okay? So after earthing. After earthing means after closing this switch. After closing the switch. So this charge is flow to the ground. This charge Q is flow to the ground. So let's we consider this charge Q is flow to the ground. Up to this, whenever this total charge means, see, this earth is having a large source of any charge, okay? So if you are add some charge or you subtract some charge from the earth, there is no changing in a potential of the earth. Why? Its radius is very large and there is a large storage capacity of charge into the earth. सो यहाँ पे अर्थ के पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जितना भी चार्ज है सब चार्ज कहाँ पे फ्लो होगा, सब चार्ज कहाँ पे फ्लो होगा, अर्थ में फ्लो होगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा. सो आफ्टर कनेक्शन आफ्टर फ्लोइंग दिस चार्ज, द चार्ज क्यू फाइनल ऑन द बॉडी बिकम जीरो. मतलब यहाँ पे चार्ज इतना फ्लो, क्योंकि इसके पोटेंशियल में तो कोई चेंज होने वाला ही नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ से बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से ज़्यादा है तो फिर यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो होगा. कहाँ तक, कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं हो जाता. और अगर अर्थ का पोटेंशियल बॉडी के पोटेंशियल से ज़्यादा है तो फिर यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो होगा. कब तक फ्लो होगा? जब तक यह फाइनल चार्ज जीरो नहीं होगा. क्यों? ओके, इसका पोटेंशियल तो चेंज होने वाला ही नहीं है. पोटेंशियल ऑफ अर्थ रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इफ यू कंसीडर दिस सिचुएशन, देन पोटेंशियल ऑफ अर्थ आफ्टर कनेक्शन, after connection potential of earth remains constant, V of earth is equal to constant. तो तब तक ये flowing of a charge start रहेगा, मतलब तब तक वो charge flow होगा जब तक ये final charge कितना हो जाए, zero. So मतलब after closing the switch, Q final on the body is becomes zero. If Q is zero, it means V of body is become zero. So that is a basic theory of earthing of any conducting body, earthing of any metal body. After earthing, the potential of the body becomes zero. After earthing of any metal body, the potential of body becomes zero. If you are just take a grounding of any body, then you just take potential of this body, V final is also zero. मतलब कनेक्शन के बाद आपको फाइनल पोटेंशियल बॉडी का कितना लेना है, जीरो. यही थियरी है. व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम यू यूज दिस थियरी रिगार्डिंग दिस आंसर. ओके, सो लेट्स वी राइट वन नॉट फॉर दिस वन. सो व्हाट इज द नॉट फॉर अस? व्हेनेवर अ स्मॉल साइज मेटल बॉडी, व्हेनेवर अ स्मॉल साइज मेटल बॉडी, मेटल बॉडी मीन्स कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, क्योंकि अर्थ के साइज से कंपैरिजन में कोई भी बॉडी को स्मॉल साइज ही बोल सकते हैं, ठीक है? तो व्हेनेवर अ स्मॉल साइज मेटल बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, यहाँ पे अर्थ की साइज में सभी बॉडी स्मॉल ही है, इसलिए ये सेंटेंस सही है, ठीक है? इट्स एक्सचेंजिंग अ चार्ज विद द अर्थ. मतलब यहाँ पे चार्ज अर्थ, ए अर्थ है, ठीक है? ग्राउंडिंग का सिंबल है. यहाँ पे चार्ज एक्सचेंज होगा, अर्थ से बॉडी पे भी आ सकता है, बॉडी से अर्थ पे भी जा सकता है, दोनों पॉसिबल है. इट डिपेंड्स ऑन वेयर इज द हायर पोटेंशियल एंड चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एज वी डिस्कस इन अ प्रीवियस सेशन. ओके, अर्थ टिल इट्स फाइनल पोटेंशियल बिकम जीरो. कब तक ये चार्ज फ्लो होगा? जब तक वी फाइनल कितना हो जाता है, जीरो, ठीक है? तो ये थियोरी का यूज हम एग्जाम्पल में करने वाले, तो आप अपनी बुक्स में थियोरी लिख लो. Okay guys, let me solve one example which is based on a earthing of a conducting body. Here the speaker is given to us and what is the problem? If switch is closed, then find the charge flow through the switch. अगर आप इस initial condition में switch close करते हो तो फिर यहाँ से कितना charge flow होगा वो find करना है, ठीक है? So the simple one, see, if you consider this switch is open, when the switch is open, V sphere is not zero. स्फीयर का पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में कोई चार्ज क्यू है ही. तो फिर केस वन लेते हैं. केस वन, व्हेन एस इज ओपन, इफ एस इज योर ओपन देन
पोटेंशियल ऑफ स्फीयर डज नॉट इक्वल टू जीरो. Potential of sphere does not equal to zero. Now you just take this switch is closed. Suppose. तो यहाँ से मान लो कि यहाँ पे Q है तो QE जितना चार्ज है Q अर्थ ऐसे कोई कोई सिंबल ले लो QE जितना चार्ज वहाँ पे फ्लो हो रहा है ठीक है. So this new charge is coming. Now when this charge is flow from here to here, when this charge is flow up to when this V final becomes zero. स्फीयर का फाइनल पोटेंशियल कैसा होगा जीरो. तब तक ये चार्ज वहां से वहां तक फ्लो होगा. तो फिर केस टू में क्या लिखेंगे. व्हाट इज केस टू. व्हेन एस इज क्लोज्ड. व्हेन एस इज क्लोज्ड सम चार्ज इज फ्लो थ्रू द स्विच. सम मीन्स हाउ मच वी टेक इट्स क्यूई. सो क्यूई चार्ज फ्लो थ्रू स्विच एंड वी फाइनल ऑफ द स्फीयर बिकम्स जीरो. स्फीयर का फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो. तो कंसिडर दिस इज सेंटर. यहाँ पे सेंटर का पोटेंशियल कंडक्टिंग बॉडी है कंडक्टिंग स्फीयर है तो सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल सेम रहेगा. सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम रहेगा. सो फॉर कंडक्टिंग बॉडी let's write this finally zero means v center is equal to v surface is equal to zero. Center ka potential kitna ho jayega zero. Put the value of a center potential. What is our answer see. So v center means just potential at center due to this charge on the sphere qe and potential at center due to this external charge q. So v center is equal to v due to QE plus V due to Q is equal to what? Zero. मतलब दोनों चार्ज का सेंटर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा नेट. तो पुट दिस वैल्यू. व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फेरिकल सरफेस. सिंपल वन दिस के क्यूई. व्हाट इज दिस रेडियस आर. सो क्यू के क्यूई अपॉन आर प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस क्यू. सो पोटेंशियल ड्यू टू दिस क्यू इज के क्यू. व्हाट इज द डिस्टेंस टू आर. सो अपॉन टू आर इज इक्वल टू वॉट जीरो. ठीक है. तो फाइंड करो के कैंसल आर कैंसल के कैंसल आर कैंसल. तो क्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इट इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू. दिस इज अवर आंसर. सिंपल. मतलब कितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा. माइनस क्यू बाई टू चार्ज इज फ्लो फ्रॉम मिस थ्रू द स्विच. ओके ऑल ऑफ यू गाइस यू रिमेंबर दिस कंसेप्ट. व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड फाइनल पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर बिकम्स zero and by this putting this value you get this answer. Okay all of you guys just write down this full example in your books properly. Okay guys example number 2. As shown in figure the outer shell is charged with a charge q. मतलब outer shell है उसकी radius 2r है. यहाँ पे plus q जितना charge ऐसे रखा हुआ है. ठीक है. So let's consider this is the given condition. Now find the charge on inner shell. Find the charge on inner shell after switch is closed. मतलब पहले स्विच ओपन थी तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्ज होगा. पता नहीं है कितना है. तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्ज होगा. ठीक है. जितना भी हो प्लस और माइनस जितना भी हो इंड्यूस चार्ज होगा. नाउ आउटर शेल पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही रहेगा. पता नहीं कितना है ऐसे ही जाने दो. नाउ यू जस्ट क्लोज द स्विच. यहाँ पे आपने स्विच क्लोज की. ग्राउंडिंग है तो मान लो कि यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पे आया. कितना आया क्यू ई जितना. हाउ मच चार्ज इज फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू द स्फीयर क्यू ई. सो दस टोटल चार्ज एक्चुअली क्यू इंड्यूस आप काउंट करते हो. प्लस चार्ज है यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा तो टोटल चार्ज तो फिर से जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे जो भी नेट चार्ज है वो कौन सा होगा क्यू ई. जो भी नेट चार्ज होगी कौन सा होगा क्यू ई जितना होगा. ठीक है. सो लेट्स वी हैव टू फाइंडिंग आउट द नेट चार्ज ऑन दिस वन. इफ दिस इनर शेल इज ग्राउंड इट्स मीन्स इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो. वेरी सिंपल सॉल्यूशन. पोटेंशियल ऑफ इनर शेल वी इन इज इक्वल टू वॉट. वी इनर शेल इज इक्वल टू वॉट जीरो. ऐसे जीरो हो जाएगा. तो वहां पे आप पोटेंशियल लिखो. तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस क्यू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एंड क्यू इंड्यूस टोटल प्लस माइनस जीरो है.
क्यू इंड्यूस टोटल प्लस माइनस जीरो होगा, मतलब आउटर शेल इनर शेल के आउटर सरफेस पे माइनस, इनर शेल के इनर सरफेस पे प्लस, तो वो काउंट ही नहीं करना है, तो इसको आप जाने दो, इसको रख दो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्ज बाकी है, क्यू कैपिटल क्यू एंड क्यू ई। सो पोटेंशियल फॉर दिस इनसाइड इनसाइड शेल इज गिवन एज अ के क्यू कैपिटल क्यू, उसकी रेडियस कितनी है 2R, तो अपॉन 2R। ओके, लास्ट सेशन में हमने ऐसा सीखा था कि इनसाइड पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, तो दैट इज अ सिस्टम ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर कॉन्सेंट्रिक शेल। सो यू जस्ट गो थ्रू दिस वन एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस इक्वेशन। ओके, सो के क्यू एंड रेडियस इज 2R प्लस हाउ मच चार्ज QE, सो के क्यू ई रेडियस इज R अपॉन R, इट इज इक्वल टू वॉट जीरो, इफ एनीथिंग इज कैंसल देन कैंसल इट, सो के के आर आर कैंसल आउट, सो वट इज आंसर ऑफ क्यू ई, क्यू ई इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, सो माइनस क्यू बाई टू, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द पोटेंशियल इन साइड द स्फेरिकल शेल, बिकॉज इन साइड द स्फेरिकल शेल द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ओके, सो ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस फुल एग्जाम्पल इन योर बुक्स प्रॉपरली। ओके गाइस, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ द इनर शेल गिव्स अ चार्ज क्यू, इनर शेल गिव्स अ चार्ज क्यू, मीन्स दिस शेल हैविंग अ सम चार्ज क्यू एंड द आउटर शेल इज ग्राउंडेड, आउटर शेल को ग्राउंड किया, तो मिडिल शेल का पोटेंशियल चाहिए, तो इसका पोटेंशियल मान लो कि वी है, तो वी फाइंड करना है। सो एज वी नो इफ एनी शेल इज ग्राउंडेड, सो दिस आउटर शेल इज ग्राउंडेड, देन कंसिडर सम चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, वॉट इज द चार्ज इज फ्लोइंग QE. So this due to this flowing of this charge, the potential of C becomes zero. So let's we put here, here. Thus C, not C, our outer shell. Okay. Let's see, gives us some shell A, B, and C. Consider this shell. So shell C is grounded. Shell C ko ground kiya. So ground kiya, to uska potential kitna ho jayega? Zero. So V C is become zero. इसको आप वी बी लिख दो क्योंकि बी शेल है ना, तो वी बी फाइंड करना ऐसा आप मान लो, तो वी सी को ग्राउंड किया तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, तो आंसर क्या होगा, देखो पोटेंशियल ड्यू टू ए एट सी पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू ए एट सी पॉइंट दैट इज अ के क्यू अपॉन सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 3R, सो अपॉन 3R। ओके, नाउ प्लस बी पे तो कोई चार्ज ही नहीं है इंड्यूस चार्ज का, तो जीरो हो जाएगा, तो सी पे काउंट करो तो उसके ऊपर कितना चार्ज आया, क्यू ई आया, तो के क्यू ई अपॉन 3R इज इक्वल टू जीरो, तो इसका कैलकुलेशन करो तो क्यू ई क्या हो जाएगा माइनस क्यू, सो दैट इज अ इंड्यूस चार्ज, सॉरी चार्ज फ्लो थ्रू द ग्राउंड। नाउ वॉट यू हैव टू फाइंडिंग आउट पोटेंशियल ऑफ द मिडल शेल, मिडल शेल को आपने क्या बोला है बी, तो पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ मिडल शेल, तो वी बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस क्यू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ई, ऐसा ही लिखना है क्योंकि बी पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो लिख दो यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, सो वी ड्यू टू क्यू प्लस वी ड्यू टू क्यू ई, वी ड्यू टू क्यू प्लस वी ड्यू टू क्यू, पुट द वैल्यू, सो वी एट बी इज इक्वल टू क्यू का पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड करना है, तो रेडियस कितनी हुई 2R, सो के क्यू अपॉन 2R प्लस क्यू का पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड करना, मतलब इनसाइड तो कॉन्स्टेंट रहता है, तो आंसर हो गया के क्यू अपॉन 3R। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू के क्यू बाई 2R, के क्यू बाई 2R एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, पुट इट के क्यू बाय 3R, ऐसे सिंप्लीफाई करना है इसको, तो के क्यू बाय आर तो कॉमन आउट 1/2 माइनस 1/3, सो 3 माइनस 2 1/6, सो फाइनली वी बी इज इक्वल टू के क्यू बाय 6R। ठीक है, दैट इज अवर आंसर। All of you guys note this example in your books properly and you must be understand how to write this potential, okay? Note this one in your books.